जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी को बताने वाला हूं जिसमें मैं एक बड़ा दाव खेलने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं उस कंपनी की एक जो रिस्क है वो आपको बता देता हूं। सो उस कंपनी की जो रिस्क है वो कि यह कंपनी जो है वो मिड कैप में आने वाली कंपनी है। तो यही जो मिड कैप है वही इसका पहला और आखिरी रिस्क है। उसके अलावा अगर आप कंपनी को देखेंगे कोई भी आपको रिस्क देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर बात करें तो एम्फी ने अभी इसको इस कंपनी को मिड कैप में रखा। इससे पहले यह कंपनी स्मॉल कैप में थी एंड एम्फी ने जो अभी कैटेगरीसन किया था उसमें इसको इस कंपनी को मिड कैप में रखा है। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम आगे की डिटेल्स देखेंगे। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी क्या क्या बनाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ये कंपनी कई तरह की चीज़ें बनाती है जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक जैसे LED TVs, होम अप्लाइसेंस भी ये बनाती है, लाइटिंग्स भी ये बनाती है एंड बात करें तो मोबाइल फ़ोन भी ये बनाती है एंड उसके अलावा बात करें तो CCTV डिजिटल एंड वीडियो रिकॉर्डर्स भी ये कंपनी बनाती है। तो हम एक बार कंपनी के वेबसाइट पर चलते हैं तो वहाँ पर हमको और भी जानकारी मिल सकती है कंपनी और क्या क्या बनाती है। यहाँ हम कंपनी की वेबसाइट पर आ गए तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेटअप बॉक्स भी बनाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो TV बनाते हुए आपको देखने को मिल रही है। एंड होम अप्लाइसेंस की बात करें तो वॉशिंग मशीन भी बनाती है। एंड लाइटिंग सोल्यूशन की बात करें तो बल्ब भी बनाती है, मोबाइल फ़ोन्स भी बनाती है, CCTV कैमराज भी बनाती है। इसके अलावा ये थर्मल स्कैनर भी बनाती है जिससे कि वो अभी कोरोना में आपने देखा होगा कि जो आपको आपके बॉडी टेम्परेचर को नापता था वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ये बनाती है। एंड अगर एक चीज़ और भी ध्यान दिए होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है वो सभी प्रोडक्ट की डिमांड जो फ्यूचर है उसमें बहुत ज़्यादा रहने वाली है, खासकर मोबाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल की डिमांड तो सबसे ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि अगर बात करें तो जो मोबाइल्स का मैन्युफैक्चर हब है इंडिया, अगर बात करें तो इंडिया में मोबाइल्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है इस कंपनी की। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है बहुत ही शानदार पिछले क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये जो गिरावट आपको इस मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर 2019 में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह जो है वो कोरोना थी जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। एंड जून क्वार्टर में बात करें तो वहाँ पे आपको थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अगर ईयरली बेस पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2019 में अगर इनका रेवेन्यू यहाँ पर था तो यहाँ पर 2020 में आप देखने को मिल रहा है कि इनका जो ये 2019 से अच्छा परफॉर्मेंस 2020 में इन्होंने किया है एंड इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहा है। एंड अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो अपनी कंपनी में करीब 36.01% की होल्डिंग देखने को हमको मिल रही है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सितंबर महीने की बात करें तो यहाँ पर करीब 7.67% फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन अभी की बात करें तो सितंबर 2020 में 16.21% आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड जिस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट लेते हैं उस कंपनी में कुछ ना कुछ जरूर बात होती है। एंड डियास की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डियास पहले 22.1% की होल्डिंग रखते थे एंड अभी की बात करें तो 17.55% की होल्डिंग रख रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इस कंपनी में लगभग पहले 31.36 था और अभी 30.22% आपको देखने को मिल रहा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी हमको ठीक ही लग रहा है। हम चलते हैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पर एंड वहां आपको मालूम भी चल जाएगा कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इंडिया।
ये बहुत ही शानदार कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया क्या बनाया, क्या बनाती है, क्या काम करती है कंपनी। एंड इसके सेल प्राइस की बात करें तो आपको 14,893 रुपया देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है हमारे रिटर्न इन्वेस्टर के हिसाब से। एंड इसके फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखें तो 0.14% आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी बहुत ही शानदार यहाँ से ग्रोथ करते हुए देखने को हमको मिल रही है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017 से लेकर के 2021 तक, मतलब अभी तो जनवरी स्टार्ट ही हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 450% का यह रिटर्न दे चुकी है। तो 3-3.5 साल में 450% का रिटर्न बहुत होता है। एंड अगर इस बात करें तो हम यह कंपनी की एक और खासियत बता दूं, एक और चीज़ इसका ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं कि यह कंपनी स्प्लिट देने के बारे में इसके बोर्ड मेंबर्स सोच रहे हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सो यहां बीएससी पर आ गए हैं। एंड अगर आप अनाउंसमेंट वाले बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हो, तो यहां पर लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है कि बोर्ड टू कंसिडर Q3 रिजल्ट एंड सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फरवरी 2। तो बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि मतलब वो Q3 का रिजल्ट भी पेश करेंगे और उसके साथ साथ ये भी डिसाइड करेंगे कि जो स्प्लिट है वो दिया जाए या नहीं। तो अभी तो ये बस एक न्यूज़ है, एंड देंगे कि नहीं देंगे वो तो इनके बोर्ड से ही बता सकते हैं। एंड अगर NSE का ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जाए तो यहाँ पर हम इसका डिलीवरी परसेंट देखते हैं 15 जनवरी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंपनी ने 3:00 पर ये अनाउंस किया कि हम Q3 का रिजल्ट पेश करने साथ जा रहे हैं एंड स्प्लिट देने की बातें कही गई, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपको 48.44% की जो डिलीवरी परसेंट हो ये लास्ट मोमेंट पे ही है, क्योंकि पहले अगर इनका आप एक दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो फ्लैट नीचे ही, कंपनी नीचे कहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही न्यूज़ बाहर आया तैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरीदारी आपको देखने को मिली। एंड सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखें कि जो बिकवाली थी इस कंपनी की तो मात्र 1,20,652 शेयर्स ही थे, मतलब इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो उनको विश्वास है अपनी कंपनी पर, सो इस वजह से वो इसे बेच नहीं रहे हैं। एंड कंपनी इंफॉर्मेशन चेक करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंपनी का परफॉर्मेंस था जून महीने में एंड सितंबर महीने में, यहाँ पर देख सकते हैं 46,578 देखने को मिल रहा है, जबकि सितंबर महीने में 1,47,288 आप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लाख्स में है तो ये आप ध्यान रखें। तो जून महीने में नेट प्रॉफिट देखें तो 182 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ था, जबकि सितंबर महीने में देखा तो 4,835, तो बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर बात करें तो यह कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 2018 में 2 रुपया, 2019 में 2 रुपया एंड 2020 में 4 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है, जो कि अच्छी बात है। तो देखा जाए तो 2018 में एक बार, 2019 में एक बार, 2020 में एक बार, जो कि अगर अमाउंट की बात करें तो 2018-19 में सेम अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है, जबकि 2020 में आपको 4 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब डिविडेंड तभी देती है कि जब उनको मुनाफा होता है। एंड प्लीज़ देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इस कंपनी पर प्लीज़ है वो कोई भी प्लीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, 0.00 आपको देखने को मिल रहा है। सो अब चलते हैं इनके चार्ट पैटर्न पर। सो यह कंपनी मुझे तो बहुत ही शानदार लगती है। एंड अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो जो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है वो सभी का डिमांड फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, खासकर मोबाइल्स जो है, मोबाइल्स में आपको डिमांड जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करें तो यहाँ पर जो चाइना और इंडिया में जो दिक्कतें चल रही हैं उसकी वजह से भी हमारी जो कंपनी है उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हमारी प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है वो चाइना पे जितना भी प्रतिबंध लगा रही है या टैक्सेस बढ़ा रही है, वहाँ से जितने भी सामान आते हैं तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारी कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी को आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना से आने वाली ज़्यादातर सामान जितने भी सामान है वो सभी हमारी ये कंपनी बनाती हुई हमको देखने को मिलती है। सो जितना भी हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेगी चाइना पे उसका सीधा सीधा फ़ायदा हमको देखने को मिलेगा। तो 4 साल तक अगर बात करें तो अभी गवर्नमेंट 4 साल तक और रहने वाली है, तो 4 साल तक हमको कोई भी दिक्कत अब देखने को नहीं मिलेगी इस कंपनी में। एंड इसका जो 4 साल तक का पैटर्न वो आगे फ्यूचर में अच्छा ही रहने वाला है। एंड अगर उसके बाद की भी बात करें तो भी हम यह देख सकते हैं कि इनका जो
प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अगर इन 4 सालों में ग्रोथ कर लिया इधर तो फ्यूचर में भी और ये अच्छा ग्रोथ करेंगे। सो अगर ये कंपनी स्प्लिट की जो बात सामने आ रही है, अगर स्प्लिट ये कंपनी देती है तो जहाँ पे ये अब हमको शेयर 14,893 पे देखने को मिल रहा है वहीं पे आपको करीब या इस कंपनी में 10-15% मान के चलिए आपको तेजी देखने को जरूर से मिल जाएगा, क्योंकि जब स्प्लिट आएगी तो वहाँ पे बहुत से लोग खरीदारी करते हैं कि जो ताकि उनको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, इस वजह से बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए ही खरीदे, एंड मैं तो इस कंपनी को खरीदने ही वाला हूँ। और ये कंपनी तो मेरे पास पहले से ही मेरे पोर्टफोलियो में है, जो कि मैंने करीब 2200 या 2300 रुपये में मैंने इस कंपनी को लिया हुआ है, एंड अभी मुझे बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी इस कंपनी से हो रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।